लोग धरावी को स्लम बुलाते हैं एंड बाहर के लोग यह भी बोलते हैं धरावी में पॉवर्टी है, क्राइम है, गंदगी है। I was born in Dharavi. मैं यहीं का हूँ, यही मेरा घर है। वही मैन भी बचपन के दोस्त है, लंगोटिया यार है। हमारा एक मिशन है कि लोगों को धारावी बाहर से नहीं अंदर से दिखाए, जिस तरह से हम देखते हैं। इसीलिए बी द लोकल स्टार्ट किया, जो धारावी का एक लोकल टूर सर्विस है। बिगिनिंग में सिर्फ एक विजिटिंग कार्ड था, पर हम लोगों को समझा ही नहीं पाए कि हम क्या दिखाना चाहते हैं। वी रियलाइज कि हमें एक इम्पैक्ट करना होगा जिससे हम लोगों से कनेक्ट हो सके। हम लोगों ने कंप्यूटर पे हमारा वेबसाइट बनाया, बी द लोकल टूर्स वेबसाइट। वी वांटेड टू शो अ ग्लिम्स ऑफ धारावी थ्रू आवर वेबसाइट। इंटरनेट इज सो वास्ट, मुझे लगता था कि क्या कोई हमारी छोटी सी वेबसाइट को देखेगा। एक हफ्ता रुके, दो हफ्ता रुके, बट कोई रेस्पॉन्स ही नहीं मिला। और फिर पहला मेल आया। आज भी वो ईमेल को देखता हो तो बहुत अच्छा लगता है। पहले टूर में मैं बहुत नर्वस था, बट लोगों का रिएक्शन देख के आई फेल्ट वेरी गुड। हमारे यहाँ जब विजिटर्स आते हैं तो उनको यकीन नहीं होता है कि एक स्लम में इतनी सारी इंडस्ट्रीज है, सब एक साथ। We started getting more and more emails and people started contacting us from all over the globe. जब लोग यहाँ आते हैं तो कुछ और एक्सपेक्ट करते हैं, जब वो सरप्राइज हो जाते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। एक कंप्यूटर से शुरू किया था, आज खुद का एक छोटा सा ऑफिस है। Today we have 10 guides, college going students from Dharavi. The money which they earn, it helps them in their education. At the same time, when they meet different people from all over the globe, they get an exposure of the world. अगर लोगों को कुछ दिखाना है तो टेक्नोलॉजी से पूरी दुनिया के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने दुनिया को बहुत छोटा बना दिया है। इन मैनी वेज इट हैज बिकम लाइक धारावी, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब मैं छोटा था, अम्मी जो है अपनी सारी कीमती चीज एक छोटे से टीन के डिब्बे में छुपा के रखती थी। धारावी भी मुझे वैसा ही लगता है, इतने सारे अमेजिंग लोग एंड चीजें एक छोटी सी जगह में, सब साथ में। इसीलिए जब टूर एंड होता है तो लोगों के चेहरे पे हंसी होती है, क्योंकि उन लोगों ने कुछ नया देखा है, धारावी को वैसा देखा है जैसे मैं देखता हूँ, बाहर से नहीं अंदर से।